हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हमने परम्यूटेशंस और परम्यूटेशन के बेसिक देखे। इस सेक्शन में हम कंडीशनल परम्यूटेशन देखेंगे। कुछ केसेस डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर जहाँ कंडीशनल परम्यूटेशन लगना है। ठीक, मैंने यहाँ बोर्ड पे कुछ केसेस लिख रखे हैं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते जाऊँगा और उसे सॉल्व कैसे करना उसका फॉर्मूला बताएं। पहला देखें, केस है नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिसिमिलर थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन पी थिंग्स ऑलवेज अकर्स। ऐसा समझें इस क्वेश्चन को कि 30 बच्चों की क्लास में 5 बच्चों को जो है बैच मिलने हैं, लेकिन टीचर का एक फेवरेट स्टूडेंट है, उसे तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, 30 बच्चों की क्लास में 5 बच्चों को बैच मिलना है, जिसमें से एक का तो पहले से ही पता है कि उसको मिलना है। तो इस क्वेश्चन में एन क्या बन जाएगा आपका, 30, आर क्या बन जाएगा, 5 को मिलना है, और पी क्या बन जाएगा, 1, के इसको तो मिलना ही मिलना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करने का सोचेंगे तो हम ये देखेंगे अब हमें टोटल में से कितने लोगों को बैच देना है। तो बोलो सर, एक का तो पक्का है, मतलब एक टोटल में से भी हटा दो और बैच देना है में से भी हटा दो, बचे कितने, -1 कर लेते हैं। तो ऐसे ही अगर पी केसेस होंगे तो आप टोटल में से क्या करोगे, पी सब्ट्रैक्ट कर दोगे। फिर उसमें से कितने चूज करोगे, तो आप बोलो सर करने 4-5 चाहिए थे, लेकिन एक तो पहले से ही पता है कैसे करना ही है, तो आप सिर्फ R माइनस P चूज करोगे। अब टोटल R हो जाएंगे, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, हमने यहां कॉम्बिनेशन लगा रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको R फैक्टोरियल से इंटू कर देंगे, ये हमारा परम्यूटेशन बन जाएगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिसिमिलर थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन पी पर्टिकुलर थिंग्स नेवर अकर। पी पर्टिकुलर तो इस बार करनी ही नहीं है, तो क्या करें अपन, टोटल में से एन माइनस पी कर दें, उतने को हटा ही दें टोटल में से और बाकी में से आर चूज कर लें। अब फिर से बात यह है कि कॉम्बिनेशन का है, इसको परम्यूटेशन बनाना है तो इंटू आर फैक्टोरियल साथ में कर देंगे, ये फॉर्मूला बन गया। तीसरा केस देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन नॉट मोर देन आर एट ए टाइम व्हेन ईच थिंग कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम। अब ये क्या बोल रहा है कि एक बार में आर से ज्यादा नहीं लेना है, आर कुछ भी नंबर हो सकता है, 3, 4, 5, मतलब अगर मैंने आर 5 माना तो मैं एक ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, राइट। मैंने माना एक प्लेस, पहले एक ही लिया आपको समझाने के लिए केवल, तो इसको कितने वे में फिल कर सकता हूं मैं, एन। अगर मैंने 2 लिए होते तो मेरे पास फिल करने की कितनी चॉइस होती, तो आप बोलो सर n, और दूसरे वाले को भी n क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। अगर मैंने 3 लिए होते तो n 3 बार आ जाता, क्लियर है। और अब इन सब का मुझे सम करना है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम करते हैं, मैं डायरेक्ट यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं, n n की पावर r माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर ऑफ एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इस केस में ए भी एन है और आर भी एन है, इसीलिए ऐसा फॉर्मूला बन गया आपके पास, क्लियर है ये वाला केस। नेक्स्ट केस पे आते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन एम स्पेसिफाइड थिंग्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, एम थिंग्स को हमेशा एक साथ आना, एक एग्जांपल देता हूं मैं, मैंने बोला एच ओ टी ई एल होटल, इसके अल्फाबेट से मुझे विथ और विदाउट मीनिंग वर्ड बनाना है सबको लेते हुए, जिसमें वॉवल्स हमेशा एक साथ आएंगे। तो बोलो ठीक है, वॉवल्स को मैं एक ही मान लेता हूं और इको पैकेट बना के रख दिया, तो अब टोटल कितने होगा मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन ये दोनों तो एक साथ थे इसलिए 4। इसको मैं कितने वे में अरेंज कर सकता हूं, 4 फैक्टोरियल वे में,
इसको मैं 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकता हूं, और फिर ये ओ और ई को कितने तरीके से, 2, तो इसीलिए मैं 2 फैक्टोरियल से और इनटू कर दूंगा। लेकिन मैं ऐसे फॉर्मूले के फॉर्म में देखना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा एन माइनस एम प्लस वन, एन माइनस एम प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल। देखिए इस एग्जाम्पल में एन क्या था, 5, और एम क्या था, 2, तो एन माइनस एम किया 5 माइनस 2, 3 आया, इसलिए प्लस 1 करके 4 फैक्टोरियल, और m फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल बन गया। ये ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि दो दोस्त हमेशा एक साथ ही बैठेंगे, है ना, सिटिंग अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चन बनेगा इसमें, उसमें बोलेंगे ये तीन फ्रेंड्स को एक साथ ही बैठना है, तो आप तीन को एक गिन लेना, फिर उसको अरेंज कर देना, और लास्ट में ये तीन तो एक साथ में इधर उधर करके बैठ सकते हैं, इसलिए इनटू 3 फैक्टोरियल कर देना। क्लियर है ये वाली बात भी। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन एम स्पेसिफाइड थिंग्स नेवर कम टुगेदर। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है कि ऑलवेज कम्स टुगेदर, तो टोटल में से ऑलवेज कम्स टुगेदर को माइनस कर देते हैं तो नेवर कम्स टुगेदर आ जाएगा। टोटल होना था यहां पर एन फैक्टोरियल, इसमें से माइनस क्या करेंगे, एन माइनस एम प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल। फिर से मैं बता देता हूं ये क्वेश्चन किस प्रकार से बना। ये बना कि इतने लोगों को, या इसी को देख लेते हैं, इन अल्फाबेट्स को ऐसे अरेंज करना है कि वॉवल्स कभी भी एक साथ ना आए। इस केस में देखा था वॉवल्स एक साथ आए, अब वॉवल्स कभी भी एक साथ ना आए, तो टोटल कितने तरीके हैं, आप बोलो सर 5 फैक्टोरियल तरीके हैं, उसमें से वॉवल्स एक साथ आए कितने तरीके हैं, ये हमने निकाला, टोटल में से इसको माइनस कर दूं तो एक साथ नहीं आने वाले। क्लियर हो गई ये वाली बात। नेक्स्ट केस, लास्ट केस, लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच एम आर अलाइक ऑफ वन काइंड एंड रिमेनिंग एम माइनस एन आर अलाइक ऑफ अदर काइंड, देन टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल परम्यूटेशन दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट्स बी। देखें फॉर्मूला तो अपन देखेंगे, पहले क्वेश्चन बना दें इसको, ए ए ए बी बी, ए ए ए बी बी, ऐसे आपको अल्फाबेट दिए हैं, आपको बोला है इसकी ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस बनाइए, तो आप क्या करोगे, टोटल 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 ए हैं इसलिए 3 फैक्टोरियल, 2 बी हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल। किया था अपन ने ऐसा पिछले सेक्शन में भी डिस्कस करके आए हैं। यहां पर अपन ने क्या बोला, एन और एम के भाषा में बोले तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एम फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक, देखिए हमने सब जगह देखा कि जो कॉमन कंसेप्ट था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसी से सारा काम हो सकता है, सोचना वैसा ही है, लेकिन मैथमेटिकली हमें इस भाषा में उसे लिखना आना चाहिए। ठीक है, जब हम सोचते हैं तो हम बिल्कुल वही सोचते हैं, अब उसको एज अ फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करना सीख लिए। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।